इंसानों को कैद करने वाली चुड़ैल। आज तो इस गांव में कोई भी नहीं दिख रहा है, लगता है सभी के सभी अपनी बिलों में घुसे हुए हैं। तभी चुड़ैल रानी को अचानक से एक आदमी हैंडपंप से पानी निकालता हुआ दिखाई देता है। आखिरकार मुझे मेरा शिकार मिल गया, अब मजा आएगा। चुड़ैल रानी उस आदमी के पास जाती है, लेकिन वो आदमी चुड़ैल रानी को देख नहीं पाता, जिसके बाद चुड़ैल अजीब अजीब आवाजें निकाल कर उस आदमी को परेशान करने लगती है। आ गया तू, तेरा ही तो इंतजार था। कौन है यहाँ पर? सामने आओ। तेरी मौत आई है रे बावले, तेरी मौत आई है। तभी चुड़ैल रानी अचानक से उस आदमी को दिखने लगती है, जिसके बाद वो आदमी बहुत बुरी तरह डर जाता है। चुड़ैल अपनी शक्तियों के द्वारा उस आदमी को बांध देती है। अरे चुड़ैल मुझे छोड़ दे, अरे कहाँ लेकर जा रही है तू मुझे, अरे कोई मुझे बचाओ। चुड़ैल उस आदमी को अपने साथ जंगल की तरफ ले जाती है। अगले दिन सुबह गाँव के सभी लोग उस आदमी को चारों तरफ ढूंढ रहे होते हैं। हाय दैया, मेरा पति भी गायब हो गया, अब मैं अपनी जिंदगी किसके सहारे बिताऊंगी। चिंता मत कर बेटा, तेरा पति कहीं ना कहीं तो हमें मिल ही जाएगा, लेकिन आखिर ये गांव के सभी लोग दिन पर दिन गायब कहाँ होते जा रहे हैं, और मेरा बेटा भी गायब हो गया। गांव के सभी लोग जंगल से लेकर गांव के कोने कोने तक उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को भी वो आदमी कहीं नहीं मिलता। जैसे ही धीरे धीरे रात होती है, रात के अंधेरे में चुड़ैल रानी फिर से गांव के लोगों को अगवा करने के लिए गांव में पहुंच जाती है। बेचारे गांव वाले कितनी आराम की नींद सो रहे हैं। तभी चुड़ैल उड़ते हुए लखन के घर पहुंच जाती है, जहां वो उसकी मासूम सी बेटी को चुपके से उठाकर ले जा रही होती है कि तभी बूढ़ी औरत उसे देख लेती है। ए, रुक जाओ, ऐसा मत करो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर तुम इन लोगों को कहां लेकर जा रही हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस बेचारी बच्ची को छोड़ दो, इस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, और इस गांव के हर एक इंसान को अपने साथ ले जाऊंगी और कैद कर लूंगी। क्या तुम्हारे अंदर दिल नहीं है? क्या तुम महसूस कर सकती हो कि जब हमारा कोई अपना गायब होता है तो हमें कितना दर्द होता है? उस बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर चुड़ैल रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। फिर मेरा क्या कसूर था? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आखिर मेरी गलती क्या थी? तुम्हारे साथ जो भी हुआ है तुम मुझे बता सकती हो, दर्द बांटने से ही दर्द कम होता है। ये कुछ समय पहले की बात है, मैं बहुत गरीब थी, लेकिन गरीब के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी थी। मेरी खूबसूरती के आगे कई मुल्कों की रानियां फेल थी। वहीं मैं एक राजा से प्रेम करती थी, उन्होंने मुझसे शादी कर ली और मुझे अपनी रानी बनाकर अपनी हवेली ले आए, जिसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा जश्न रखा। उसमें राजा के एक दोस्त ने राजा से कहा, पत्नी हो तो तेरे जैसी, अरे देख तो इस रानी की खूबसूरती ने तो तमाम हसीनाओं को फेल कर दिया है। भानु सिंह के ये कहते ही राजा ने अपनी तलवार निकाली और उसका सर कलम कर दिया, जिसके बाद उसने जश्न को उसी समय बंद कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे तहखाने तक ले गया, जिसके बाद उसने मुझे एक पिंजरे में बंद कर दिया और मुझसे कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी खूबसूरती पर तो मैं ऐसे 100 दोस्त कुर्बान कर दूं, लेकिन मेरी जान तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। अगर तुम्हारी खूबसूरती को किसी ने अपनी आंखों में कैद करने की कोशिश की तो मैं उसका और भी ज्यादा बुरा हाल करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं तुम सिर्फ और सिर्फ इसी तहखाने में बंद रहोगी, आज से ये तहखाना ही तुम्हारी दुनिया है। राजा ने उस तहखाने को बहुत खूबसूरत बना दिया और मेरी जरूरत की सभी चीजें वहाँ मौजूद थीं, लेकिन तहखाने में मेरा दम घुटता था, मैं उसमें कैद हो गई थी। बरसों बीत गए थे मुझे सूरज की किरणों को देखे हुए, मैं दिन रात उस तहखाने से बाहर निकलने के लिए राजा के सामने गिड़गिड़ाती रहती थी। राजा मुझे इस तहखाने से निकाल दो,
मैं और इस तहखाने को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर मेरा क्या कसूर है? मेरी भरी जवानी तुमने इस तहखाने के नाम कर दी, और कब तक मुझे इस तहखाने में रहना होगा? जब तक तुम जीवित हो तब तक तुम सिर्फ और सिर्फ इस तहखाने में रहोगी। यहाँ से बाहर निकलने की सोचना भी मत। तुम्हारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, और तुम्हारी खूबसूरती को सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। मैं उस तहखाने में घुट घुट कर मर गई, लेकिन मरने से पहले मैंने खुद से एक वादा किया। मैं राजा को बिल्कुल इसी तरह तहखाने में कैद करके मारूंगी, और साथ ही साथ गांव के सभी लोगों को भी तहखाने में कैद करूंगी, और सबको तड़पा तड़पा कर मार दूंगी। और मरने के बाद जैसे ही मैं चुड़ैल बनी तो मैंने सबसे पहले राजा को तहखाने में कैद किया और उसे तड़पा तड़पा कर मार दिया, जिसके बाद मैं इस गांव के लोगों को यहां से उठा लेती हूं और अपने साथ उसी हवेली में ले आती हूं और इन लोगों को कैद कर देती हूं। ऐसा करने से मुझे बहुत मज़ा आता है और मेरी आत्मा को सुकून भी मिलता है। जब गांव के लोग मेरी हवेली के अंदर कैद होकर मर जाते हैं मुझे बहुत खुशी मिलती है, और जब जब लोग मरते हैं तो मुझे एहसास होता है कि मैंने अपनी मौत का बदला ले लिया। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मेरी बच्ची तुम ये क्यों कर रही हो? किसी की जान लेकर तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अपना बदला तो तुम राजा से ले चुकी हो, फिर इन मासूम लोगों को कैद करके तुम्हें क्या मिल रहा है? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इन बेचारे बेबस लोगों को छोड़ दो। जरा सोचो तो, जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम किसी और के साथ कैसे कर सकती हो? लेकिन इन गांव वालों ने उस वक्त मुझे राजा की गिरफ्त से बचाया नहीं था। अगर ये गांव वाले मेरी मदद करते तो शायद मेरे साथ ये सब नहीं होता। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो राजा ने किया था, और ये बेचारे गांव वाले अगर तुम्हारी मदद करते तो अपनी जान से हाथ धो बैठते। जरा उनके बारे में सोचो, एक राजा का ये लोग सामना कैसे कर सकते थे? बूढ़ी औरत की बात सुनने के बाद चुड़ैल को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब वो राजा की कैद में एक तहखाने के अंदर सड़ती रहती थी। तुमने सही कहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजा के गुस्से ने मुझे अंदर ही अंदर इतना जला दिया कि मैं कभी किसी के बारे में नहीं सोच पाई, और राजा को मारकर मैं पहले ही बदला ले चुकी हूँ। लेकिन अब मैं सबको आजाद कर दूंगी और उन्हें उनकी जिंदगी खुलकर जीने दूंगी। ये कहकर चुड़ैल जंगल में हवेली के अंदर आती है और वहाँ बंधे सभी कैदियों को छोड़ देती है। गांव के सभी लोग वापस से गांव में पहुँच जाते हैं और चुड़ैल वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। रात के 2 बज रहे थे। चुड़ैल करण नाम के एक लड़के के कमरे में घुसती है और घड़ी की सुई की तरफ देख रही थी, जहाँ घड़ी में 2:10 होते हैं, और बेरहमी के साथ चुड़ैल अपने नाखून से उसके पेट को चीर देती है, फिर उसके हाथ पैर अलग करके खा जाती है और कहती है, आखिर मैंने तेरा हिसाब चुकता कर ही दिया। मार डालूंगी, एक एक को मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब तेरे दूसरे साथी की बारी। आखिर ये चुड़ैल कौन थी और उसने क्यों करण को मार डाला, और इस घड़ी को देखकर चुड़ैल ने उसे क्यों मारा, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। 2 दिन बाद चुड़ैल किसी रोहन नाम के लड़के को ढूंढने के लिए एक सुंदर लड़की बन जाती है और एक आदमी से कहती है, जी सुनिए, क्या रोहन इसी सामने वाले घर में रहते हैं? हाँ, वो इसी घर में रहता है। शुक्रिया। ये बोलकर चुड़ैल उसके घर में घुस जाती है, जहाँ रोहन हेडफोन लगाकर गाने सुनते हुए बोलता है, पार्टी तो इसी बात पर पार्टी तो बनती है। आजा, मैं बनाऊंगी तेरी पार्टी, जिसका मुझे था इंतजार, उसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। कौन हो तुम? तभी चुड़ैल उसके पास आती है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा देती है और बोलती है, तेरी मौत हूँ मैं, पहचाना? कितनी बेरहमी से मारा था तूने, भूल गया वो रात? तुमको तो मार दिया था उस रात।
तभी तो मैं बदला लेने के लिए चुड़ैल बनकर लौटी हूँ, ताकि तुझे मार सकूं। अब तू भी मर। बस गाड़ी में 2:10 होने दे। घड़ी के सुई टिक 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 करके आगे बढ़ती है और घड़ी में 2:10 हो जाते हैं। चुड़ैल एकदम से रोहन की ओर देखती है। ये बोलते ही वो चुड़ैल रोहन को दर्द भरी खौफनाक मौत दे देती है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल देती है और कुत्ते उसकी बोटी बोटी पर टूट पड़ते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, आखिर मैंने तुझे मार ही डाला। जो मैं चाहती थी वो हो गया, मेरा बदला पूरा हो गया। बहुत जल्दी अपने बदले को पूरा कर लूंगी। चुड़ैल रोहन को मारने के बाद और किसी शख्स की तलाश में निकल जाती है। अपना रूप बदलकर वो वैभव नाम के लड़के को ढूंढ रही थी। बहुत कोशिश करती है लेकिन वैभव नहीं मिलता। तभी गुस्से से कहती है, कहाँ छिपकर बैठा है तू वैभव? मार डालूंगी। तूने मुझे मार कर बहुत बड़ी गलती की है। तेरी दोस्त रोहन और करण को तो मार दिया, अब बस तू ही बचा है। जल्दी तुझे ढूंढ कर मार डालूंगी। चुड़ैल ये सब बोल ही रही थी, एक लड़का कबीर उसकी बात सुन लेता है, जो किस्मत से उसका भाई होता है, और कहता है, इसका मतलब ये मेरे भाई के बारे में बात कर रही है। उस रात वाली और ये भाई को मार डालेगी, क्योंकि उनके 2 दोस्त को भी मार चुकी है। मुझे भाई को बचाना होगा, लेकिन कैसे? जरूर वो हॉस्टल में होंगे, वहीं जाऊंगा। जैसे ही बोलकर कबीर इतना आगे बढ़ता है, तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर कबीर डर जाता है और कहता है, तुमने मेरी बात सुन ली? हाँ, अब जल्दी बता तेरा भाई कहाँ है, कौन से हॉस्टल में है, वरना तुझे भी मार डालूंगी। चुड़ैल उसका गला पकड़कर हवा में उठा लेती है और जमीन पर फेंक देती है। जल्दी बता कहाँ है। तुम्हें मेरे भाई को मारकर क्या मिलेगा? क्यों पीछे पड़ी हो उनके? तू नहीं जानता तेरे भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे साथ क्या किया? आज मैं तुझे बताती हूँ। कुछ महीने पहले की बात है, मैं खुशी अपनी माँ रचना और पिता सुरेश के साथ रहा करती थी। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके कारण घर का कर्ज चलाना बहुत मुश्किल था। पिता की तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी। मैं अपने माँ और पिता की इकलौती ही बेटी थी, जो देर रात ऑफिस में काम किया करती थी। वक्त बीतता है, एक दिन ऑफिस में ज्यादा काम था, तभी वो अपनी माँ को कॉल करके कहती है, माँ आज मुझे ऑफिस में बहुत काम है, तो घर आने में लेट हो जाएगा। पर कितना बेटा, रात के 11 बज रहे हैं, और कितनी लेट आएगी? माँ इतने पैसों में कहाँ काम चलता है? बाबा की दवाई, घर का राशन और मेरी जरूरतें, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसलिए ओवरटाइम कर रही हूँ। बेटा रात का माहौल सही नहीं रहता, कैसे आएगी अकेले? माँ मुझे काम करना है, आप चिंता मत करो, मैं कैब बुक करके आ जाऊंगी। ओके बाय। ऐसा कहकर खुशी फोन रखती है और ऑफिस में बैठ के काम करने लगती है। रात के 2 बज जाते हैं और वो अपने ऑफिस से निकल जाती है और कहती है, ओहो कितना लेट हो गया, ये कैब कब आएगी? इतनी देर हो गई है, 2:10 हो रहे हैं, ये कैब वाले भी ना। खुशी अपने फोन में टाइम देख ही रही थी कि तभी 3 लड़के सीटी बजाकर उसकी तरफ आते हैं और कहते हैं, ओ बेबी डॉल, इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? अरे यार, वो तुझे नहीं बताना चाहती है, मुझे तो लगता है कि ये कैब का इंतजार कर रही है। तभी बेचारी उधर खड़ी है, क्यों है ना डार्लिंग? ये बोलकर रोहन उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी खुशी बोलती है, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ। मैंने बोला छोड़ो। ऐसे कैसे छोड़ दें डार्लिंग तुम्हें, ये कोई टाइम है एक अकेली लड़की को रात में ऐसे छेड़ने का? कैब नहीं आई ना जान। ये बोलकर तीनों लड़के खुशी से बैग छीनकर परेशान करने लगते हैं, फिर जबरदस्ती करके उसे छेड़ने लगते हैं। छोड़ो मुझे जाने दो, मेरी माँ वेट कर रही है। तभी तीनों लड़के उसे परेशान करते हुए बोलते हैं, अब तेरा क्या होगा जान, क्योंकि यहाँ आसपास कोई भी नहीं है जिसे तू अपनी मदद के लिए पुकार सके। प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, छोड़ दो मुझे। खुशी तीनों लड़कों के आगे गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। जबरदस्ती के दौरान वो खुशी को मार डालते हैं और उसकी लाश को एक नदी में फेंक देते हैं।
जब से ही मेरी आत्मा भटक रही है, क्योंकि तेरे भाई और उन दो लड़कों ने बड़ी बेरहमी के साथ मुझे मारा। क्या गलती थी मेरी? घर की आर्थिक स्थिति के लिए मैंने ज्यादा घंटे काम करके ऑफिस से लेट निकली। बस यही थी ना मेरी गलती। मेरी माँ का एक मैं ही तो सहारा थी घर को चलाने वाली, वो भी तेरे भाई और उसके दोस्तों ने छीन लिया। इसलिए अब मैं तेरे भाई को नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी, उसे तड़पा तड़पा के मारूंगी। मेरे भाई और दोस्तों ने वाकई में तुम्हारे साथ गलत किया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर चुड़ैल वैभव को ढूंढते हुए उसके हॉस्टल चली जाती है, जहाँ वो वैभव को ढूंढ कर उसे कैद करके बोलती है, वैभव मार डालूंगी मैं तुझे, छोड़ूंगी नहीं। छोड़ दो मुझे, जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझे अपने किए का पछतावा है, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। क्या तुम तीनों ने मुझे छोड़ा था जब मैं तुमसे छोड़ दो जाने दो मुझे की भीख मांग रही थी? अब तू नहीं बचेगा, तुझे भी मरना होगा। घड़ी में टाइम देख ले, 2 बज गए। याद कर, तुम सब ने मेरी जान 2:10 पर ली थी। वही तेरे साथ होगा और वही तेरे दोस्तों के साथ हुआ था। अपनी आखिरी 10 की सांस ले ले, जितना ले सकता है। भाई, मैं आपको ऐसे दिख नहीं पाऊंगा, इसलिए जा रहा हूँ। ये बोलकर कबीर वहां से चला जाता है और चुड़ैल वैभव को 2:10 पर मार डालती है। उसके बाद उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।